अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैथ फिफ्थ क्लास टॉप सॉल्व क्वेश्चन फॉर पीएसटी एंड जेईएसटी। तो दोस्तों, सवालात जो है हल करने से पहले आप काबिले तराम दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन्स को ज़रूर क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो अपलोड होने पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, पहला नंबर सवाल है, 5 किलोमीटर इज़ इक्वल टू डैश मीटर। 5 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। तो दोस्तों, हमें अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है हमें ये इल्म होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। 1 किलो में कितने जो है मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो दोस्तों, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 जो है 1000 मीटर्स होते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ 5 और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, तो ये हुआ 1000। तो अभी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 5 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो जवाब क्या आएगा दोस्तों, 5000। क्या आएगा, 5000। तो 5 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 5000 मीटर्स। 5 किलोमीटर बराबर कितने का होता है दोस्तों, 5000 मीटर्स का बराबर होता है। तो दोस्तों, बी इसका क्या है, बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों, 5 मीटर्स इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। 5 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इस सवाल को जो है सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये इल्म होना चाहिए कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ 5 और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 100। अभी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 5 को जो है इस 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जवाब क्या आएगा दोस्तों, 500। इसे जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों, 500। तो 5 मीटर जो है कितने सेंटीमीटर का बराबर है, 500 सेंटीमीटर का बराबर है, 500 सेंटीमीटर का बराबर है। तो दोस्तों, ए में क्या है इसका, ए में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों, 3 hours 55 minutes प्लस 5 hours and 40 minutes, 40 minutes, ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ऐड करने का तरीका, सबसे पहले hours और यहाँ पर minutes लिखने पड़ेंगे, और ये कितने घंटे हैं, 3, और ये 55 minutes, और ये 5 घंटे, और यहाँ पर 40 मिनट्स। तो दोस्तों, अभी क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड है तो ऐड करेंगे, 55 और 40 को ऐड करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों, 95 मिनट्स, मीन्स 95 मिनट्स होंगे, 95 मिनट्स। तो दोस्तों, अभी जो है 95 जो है कितने जो घंटे और जो है मिनट्स का बराबर होता है, 1 घंटा 1 आवर्स, क्योंकि 1 आवर्स में 60 जो है मिनट्स होते हैं, 1 आवर्स और जो है 35 मिनट्स। ये 95 जो है 1 आवर्स और 35 मिनट्स का बराबर होता है। तो दोस्तों, 35 जो है हम यहाँ पर रखेंगे मिनट्स के साइड, और जो ये घंटा जो है वो हम कैरी ऑन करेंगे। उसके बाद ये 1 और 3 कितने हैं दोस्तों, 4, 4 और 5 कितने हैं, 9। तो दोस्तों, इसका जो जवाब क्या आ गया हमारे पास, 9 hours और जो है 35 minutes। तो दोस्तों, सी में इसका क्या है, सी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों, जो है सब्टेक्ट 58 minutes 15 seconds फ्रॉम 72 minutes 30 seconds मिनट्स, और यहां पर लिखेंगे सेकेंड्स। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि
जो है 72 मिनट से 72 मिनट्स, और जो 30 सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करें 58 मिनट्स और जो है 15 सेकेंड, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 72 मिनट्स और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 30 सेकेंड, और उसके बाद यहाँ पर 58 मिनट्स और यहाँ पर लिखेंगे 15 सेकेंड, तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मींस मनफी करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी जो है 30 सेकेंड से हम जो है हम माइनस करेंगे 15, तो जवाब क्या आएगा दोस्तों? 15 आएगा। उसके बाद जो है 2 से 8 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? 7 से 1 जो है 12 लेना पड़ेगा, 1 मिनट, तो ये हो गया 12। 12 से जब हम 8 जो है माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 4, और यहाँ पर कितना बचा दोस्तों? 6, एक इधर गया तो यहाँ पर बचा 6। 6 से जब हम 5 जो है मनफी करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 1, तो जवाब क्या आएगा दोस्तों? 14 मिनट्स और जो है 15 सेकेंड्स, इसका जो जवाब आ गया जो है सी में, इसका क्या है? सी में इसका दुरुस्त जवाब है। तो दोस्तों ये सवाल जो है फाइनल सवाल था, इंशाल्लाह ताला जो है बहुत जल्द जो है 5th क्लास का एक और वीडियो अपलोड किया जाएगा। शुक्रिया दोस्तों।